तैनात कर दिया गया। उधर हरियाणा के नूह में हुई हिंसा की आग पड़ोसी राज्य राजस्थान तक भी पहुंच गई। वहां के कई शहरों में उपद्रवियों के झुंड तोड़फोड़ करते नजर आए, जिससे हरियाणा के बाद राजस्थान में भी अलर्ट जारी हो गया। आरोप है कि राजस्थान के भिवाड़ी में उपद्रवियों ने कई दुकानों में तोड़फोड़ की। भिवाड़ी राजस्थान का वो इलाका है जिसकी सीमा हरियाणा से लगती है, इसीलिए आशंका जताई गई कि हरियाणा से सीमा पार कर राजस्थान आई भीड़ ने कुछ दुकानों पर कहर बरपाया। भीड़ कल आई थी और यहाँ पर काफी तोड़फोड़ की दुकानों में। उस दुकान पर हुए हमले के बाद वहाँ दहशत मच गई, क्योंकि उपद्रवियों की भीड़ ने न सिर्फ दुकान के टिन शेड को तोड़ दिया बल्कि वहाँ खड़ी मोटरसाइकिलों पर भी डंडे और पत्थर बरसाए। और भिवाड़ी में मचे उत्पात से जुड़ा एक सीसीटीवी वीडियो भी सामने आया। दावा किया गया कि ये वीडियो एक दिन पहले वहाँ एक मीट की दुकान पर हुए हमले का है, जिसमें कुछ उपद्रवी दिखाई दिए जिनके हाथों में डंडे नजर आए और सिर पर मानो खून सवार था, जिसके बाद उन लड़कों ने आव देखा न ताव और सीधे उस दुकान पर टूट पड़े। वीडियो में दिखा कि वो लड़के मुंह पर कपड़ा बांधे उस दुकान पर डंडे चलाते नजर आए। किसी ने दुकान में लगे बोर्ड को तोड़ा तो किसी ने उसके टिन शेड पर डंडे बरसाए। आरोप है कि मीट की उस दुकान का मालिक मुस्लिम समुदाय से था, जिसके बाद उपद्रवियों की भीड़ ने वहां तोड़फोड़ की। हालांकि वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी यह हरकत रिकॉर्ड हो गई, जिसके बाद वीडियो में दिखने वाले करीब 12 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया। उधर